खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर पर मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के रुख का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। राहुल के बयान, पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ ट्वीट किए। राहुल को कश्मीर जाने से रोकने के मुद्दे को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया तो राहुल बोले, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान इसमें ना घुसे। राहुल पर बरसी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर बोले, पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं राहुल। कांग्रेस का जवाब, जावड़ेकर का सियासी संतुलन बिगड़ गया। राहुल पर बोलते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, जो लोग 370 के हिमायती हैं उनको लोग जूते से मारते। लोग जूतों से मारेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, राज्य में जल्द 50,000 नौकरी की भर्ती होगी। ज्यादातर इलाकों में नेट फोन चालू हुए। कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों से मिले लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने का संदेश दिया। सीताराम येचुरी समेत कुछ याचिकाकर्ताओं को कश्मीर जाने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, लेकिन कहा सिर्फ अपने जानने वालों से मिलकर वापस आ जाएं। पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख रशीद ने कहा, नवंबर महीने में भारत पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले, सब टॉम डिक हैरी हमला करने हम पर आए, हमने किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन कोई हमला करेगा तो तगड़ा जवाब मिलेगा। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, देश के टुकड़े करने वाले जवाहरलाल नेहरू नर्क में गए होंगे। लड़की के शोषण के आरोपों पर बीजेपी नेता चिन्मयानंद ने चुप्पी ठानी। शाहजहांपुर में आरोप लगाने वाली लड़की लापता है, आज कोर्ट ने मांगी जानकारी। बीजेपी नेता चिन्मयानंद मामले पर बोली प्रियंका गांधी, कहा यूपी की योगी सरकार में महिलाएं महफूज नहीं है। बीएसपी की फिर अध्यक्ष बनने के बाद मायावती ने कांग्रेस को जमकर कोसा, 370 पर मोदी का समर्थन किया। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। बिहार सरकार के मंत्री ब्रज किशोर बिंद ने बताई भगवान शिव की जाति, बोले शिवजी हमारी जाति बिंद के ही थे। जमीन घोटाले केस में आजम पर गिरफ्तारी का संकट बढ़ा, जिला अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिलीप घोष ने कहा था कि ममता की पार्टी टीएमसी के गुंडों से ना डरे, आए तो उन्हें पीटो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में नंदी घर का उद्घाटन किया, 4,000 नंदी घर बनाने की योजना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, संसद में गतिरोध करने के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। राहुल गांधी को उनके प्रशंसक ने कार में किस किया, अपने चुनावी क्षेत्र वायनाड में पहुंचे हैं राहुल गांधी।